power supply in Bhaderwah and other parts of the Chenab Valley today was restored after remaining suspended for 11 days after damage in 132 kV transmission line and other infrastructure after heavy snowfall. 132 kV transmission line carries electricity from the northern grid towards Doda, Bhaderwah and Kishtwar, and even a small fault on this line bring darkness in both districts of Chenab Valley. Sources told that NHPC had not upgraded these tower as per requirement and they get damaged whenever heavy rain or snow latches the area. There is an immediate need to upgrade towers as per the requirement and carry out maintenance work during summer so that power is not snapped during winters. On the contrary, the power being generated in the NHPC run 319 megawatt Dul Hasti hydroelectric project in Kishtwar district is being transmitted to the northern grid uninterrupted. Two lines of 400 kV and 220 kV capacity belonging to the Power Grid Corporation of India did not get damaged in the snowfall. There is a sense among people that every now and then the incoming line develops fault, but the outgoing line never develop any snag because the government earns more from the projects from Chenab Valley. Successive state governments have failed to set up an alternative transmission line to Doda and Kishtwar districts. Power department has to rely solely on NHPC for supply through the 132 kV line as the state does not have one of its own. The state and NHPC earns crores from power generation in Chenab Valley, and the state generate 900 megawatt from the Baghliar power project and NHPC generate 319 megawatt from Dul Hasti of 20,000 megawatt potential in the state. The Chenab Valley alone has the capacity to generate 16,000 megawatt, and there is urgent need that the state government should frame a policy and provide free electricity to the people of Chenab Valley and correct the system for the coming यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर भद्रवाह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वाहिद पूरे खित्ते चिनाब में भद्रवाह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे पावर सप्लाई जो है वो पोल्स पे आती है, सिंपली पोल्स पे आती है, जबकि बाकी एरियाज के लिए टावर्स नसब किए गए हैं जहाँ पे टावर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन भद्रवाह में ऐसा नहीं है। और ख़ासकर जो इस साल का हैवी स्नोफॉल हुआ 2019 जनवरी फरवरी का, तो इसमें ऐसा पाया गया कि कोई भी लीडर ज़मीनी सतह पे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, वो ज़मीनी सतह पे नहीं दिखाया गया, ना ही कोई बयान उन्होंने अखबारात में दिया कि खिताए चिनाब में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, उसको रिस्टोर किया जाए, जिससे वो भी एक्सपोज हुए। और ज़्यादातर लीडरान जम्मू में ही मुकीम थे, जम्मू में विंटर्स की वेकेशन जो थी वो स्पेंड कर रहे थे, जिसमें उनके खिलाफ भी अवाम में गम व गुस्से की लहर है। और ये भी अब देखा जा रहा है, अब जबकि पावर इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो चुकी है, तो अब लीडरान ने एक बार फिर खिताए चिनाब का रुख कर दिया है और अवाम को एक मरतबा फिर वो बेवकूफ़ बनाएंगे। तो यहाँ के अवाम को भी चाहिए कि वो सोच समझ कर ही कोई फैसला लें। जब भी इंतखाबात आते हैं तो इन लीडरान से पूछा जाए कि क्यों ना वो आम लोगों की तरह विंटर वेकेशन जो है वो खिताए चिनाब में स्पेंड करें, और क्यों ना टावर लाइन को चाको चौबंद किया जाए। और ख़ासकर भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनको चाहिए कि जो अपने नुमाइंदे हैं उनसे वो पूछें कि भद्रवाह से डोडा तक जो 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसको क्यों ना टावर लाइन सप्लाई आप क्यों नहीं लगाते हैं। आप अपने CDF से पैसे दीजिए अगर सरकार नहीं देती है। लेकिन लगता है कि कहीं जहाँ पर लीडरान ने एक कमज़ोर नब्ज अवाम की पकड़ ली है, वहीं अवाम भी कुछ कहने से कासिर हैं, और ज़्यादातर अवाम भी अपना ज़ाती मुफाद इन लीडरान से हासिल करना चाहती है, वहीं लीडरान भी ज़ाती मुफाद हासिल करना चाहते हैं। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना इन 11 दिनों में खित्ते चिनाब के अवाम को रहा, खासकर रूरल एरियाज़ के अवाम को रहा, जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, वाटर जो है प्रॉब्लम रही, LPG गैस की प्रॉब्लम रही, केरोसिन ऑयल की प्रॉब्लम लोगों में रही, रास्ते मुनकता रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नुमाइंदा जो है ज़मीनी सतह पे नहीं आया, जो इलेक्शनों के दौरान आते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए, लाइक करने, सब्सक्राइब करने के लिए कहें।